कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में जनपद पंचायत और नगर निगम में 89 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो बताकर झूठ परोस रही है, यहां तक कि हत्या के आरोपियों को भी अपना बता रही है। के मिश्रा ने आरोप लगाया कि बीजेपी को जो भी सीटें मिली है उन्होंने पुलिस प्रशासन और पैसे के दम पर चुनाव जीता। बीजेपी ने 1.5 से 2 हजार करोड़ रुपए जनपद और जिला पंचायत जीतने के लिए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा लहार में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया और 22 साल बाद जबलपुर में कांग्रेस को जनपद पंचायत अध्यक्ष मिला है। यदि जनता पार्टी झूठ परोस कर आग लगाने की धमकी, हत्या के आरोपियों को अपना बताकर, इतनी भी शर्म उनमें नहीं बची कि हत्या के आरोपियों को भी अपना बता रही है, तो ये लोग लोकतंत्र की रक्षा क्या करेंगे। 1.5 से 2 हजार करोड़ रुपए खर्च कर भारतीय जनता पार्टी ने जनपद और जिला पंचायतों के सदस्यों को खरीदने की कोशिश की, उतना बजट मुकर्रर किया हुआ था।